हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिली सेंस पर। आज की वीडियो होने वाली है मेडिसिन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो शुरू करें हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है, इसकी डायमोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। तो मस्कुलर मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है। डिस्ट्रॉफी, डिस यानी डिस्टर्ब बैड, एंड ट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ, नरिशमेंट। ये लैटिन टर्म्स हैं। ट्रॉफी कहाँ से आया है, नरिशमेंट से। तो मतलब कि मसल्स का बैड नरिशमेंट होता है इस कंडीशन में, इसलिए इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसलिए कंबाइन करके कह दिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। होता क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स, समटाइम्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। ऐसी कंडीशन जो रिलेटेड होती है जीन से, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, और इसमें होता क्या है, डीजनरेशन ऑफ मसल्स, कुछ मसल्स का डीजनरेशन हो जाता है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कभी कभी हार्ट मसल्स का और नर्वस सिस्टम्स का भी। फिर टाइप्स की बात करूँ तो बहुत सारे टाइप हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, प्रॉक्सिमल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कई लोग इसको डशिनी डकिनी बहुत कुछ बोले, मैं डशन बोलती हूँ, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डर डिस्ट्रॉफी, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल, इसके अलावा ऑक्यूलो फेरेंजियल, और लास्ट होती है एमेरी ड्राइफिस, ठीक है, जिसमें से मेन होते हैं डशन और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है डशन एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजी की, तो जो DMD है यानी कि डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो थोड़ा कॉमन है। 3,500 यानी कि 3,500 केसेस में से एक केस जो है वो डशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का देखने को मिल सकता है। दूसरा है BMD यानी कि बैकवर्ड्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो 30,000 केसेस में से कोई एक केस ही BMD का केस होता है, यानी कि DMD ज़्यादा कॉमन है। तो सेकंड चीज़, फीमेल्स को ये अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करता है। क्यों, इसका रीज़न हम अगले पॉइंट में जानेंगे। तीसरी चीज़, ऑनसेट की बात करें तो DMD जो है वो दो मतलब 3 से 5 साल की एज से ही शुरू हो जाता है, और जबकि BMD जो है वो अर्ली अडल्टहुड में शुरू होता है, या कह सकते हैं अडोलेसेंस जो एज होती है उसमें, या हम कह सकते हैं लेट चाइल्डहुड में ये जो है इसकी शुरुआत होती है, जबकि DMD बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, एकदम छोटी एज में तो नहीं, 1 से 2 साल में तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो बच्चा है ये कोई पेशेंट है DMD का, लेकिन 3 से 5 साल के बीच आपको धीरे धीरे जब मसल्स का ठीक से स्ट्रेंथ नहीं होगी उसमें, उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो समझ आ जाएगा कि कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है। इटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। DMD एंड BMD बोथ आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, इसको समझते हैं। अब एक्स लिंक्ड क्या मतलब, एक कोई स्पेसिफिक जीन है जो हमको नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए चाहिए, उसका नाम है डिस्ट्रॉफिन, मैं पहले बता देती हूँ। वो होता है एक्स क्रोमोसोम पर भी, उसमें भी रिसेसिव वाले क्रोमोसोम पर, ठीक। तो अब समझते हैं कि मेल ही क्यों अफेक्ट हो रहा है, फीमेल क्यों नहीं अफेक्ट हो रही। तो समझ लीजिए, ये मेल है जिसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, हम जानते हैं एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं, फीमेल में XX होता है। तो मान लीजिए फीमेल यहाँ एक कैरियर है, फीमेल के एक एक्स में से, सॉरी दो एक्स में से जो एक एक्स है वो कैसा है, उसमें आपका म्यूटेटेड जीन है, यानी कि उसके जीन में प्रॉब्लम है। तो अब आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाले जो जनरेशन है, उसमें क्या देखने को मिलता है, पहला केस जिसमें फीमेल बॉडी होगी और एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा बनेगा मेल जिसमें एक नॉर्मल वाई बट एक अबनॉर्मल एक्स होगा, तीसरा होगा एक नॉर्मल फीमेल
एक्स एक्स दोनों एक्स नॉर्मल के साथ, और लास्ट जो है वो होगा एक्स वाई नॉर्मल। तो यहाँ पर केसेस जो बनते हैं वो ये हैं कि 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल होगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हेल्दी हम कह सकते हैं, लेकिन 25% केसेस जो हैं वो कैरियर के होंगे जो कि होगी फीमेल, और 25% केसेस होंगे मेल के जो कि जिसको कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम होगा। तो ये फीमेल जो है वो सिर्फ कैरियर है। अब सवाल ये उठता है फीमेल कैरियर क्यों है, क्योंकि उसके पास दो एक्स क्रोमोजोम है, अगर एक एक्स क्रोमोजोम ठीक से काम नहीं भी कर पा रहा है तो दूसरा वाला उसको ओवरकम कर सकता है इजीली, लेकिन मेल बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता, एक्स क्रोमोजोम का काम वाई क्रोमोजोम नहीं कर सकता। तो इस मेल को 25% ऑफ जो मेल है या ऑफस्प्रिंग है उसमें इसमें ये डिजीज पाया जाएगा, ठीक है, तो फीमेल में तो ये नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कि उस एक्स में आखिर ऐसा था क्या जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस एक्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक्स क्रोमोजोम पर होता है डिस्ट्रॉफिन जीन, डिस्ट्रॉफिन जीन जो कि बनाता है हमारे बॉडी में, किसके लिए इनकोड करता है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के लिए, और डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन है मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, क्यों चलिए जानते हैं। तो अब कहानी आती है ये कि म्यूटेशंस अकर इन डिस्ट्रॉफिन जीन, मतलब कि म्यूटेशंस हो जाती हैं डिस्ट्रॉफिन जीन में, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। डीएमडी में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होता है, और सॉरी डीएमडी में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और बीएमडी में इन फ्रेम डिलीशन। और अब ये सब जो मैंने बोल दिया है इन सब शब्दों का मतलब क्या है हम वो जानते हैं। एक्स क्रोमोसोम बना रही हूँ, और एक्स क्रोमोसोम की एक ऊपर वाली आर्म हो गई लॉन्ग सॉरी शॉर्ट आर्म, और दूसरी वाली हो गई लॉन्ग आर्म। तो एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है जीन जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन। डिस्ट्रॉफिन जीन जो है वो इनकोड करता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन को, और डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, वो आपकी मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रॉफिन जीन जो है वो लार्जेस्ट जीन है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रॉफिन, ये आपको याद रखना चाहिए। ये कभी किसी तरीके के एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट जीन जो है ह्यूमन बॉडी का होता है, वो है डिस्ट्रॉफिन, को याद रखना पड़ेगा ये। अब ये जो लार्जेस्ट जीन है, हमने बात की कि डीएमडी में ये हो रहा है बीएमडी में ये हो रहा है, तो इनका मतलब क्या है। पहला केस, अगर इस शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट डिस्ट्रॉफिन जीन में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होता है, फ्रेम शिफ्ट का डिलीशन का मतलब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँ, तो जैसे एक जीन है ना, हम जानते हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम इस जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं हमको पता है कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कोई मतलब निकलेगा, उसी तरीके से हमारे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जीन्स में, उनको पढ़ने के लिए एक रीडिंग फ्रेम बनाया जाता है ताकि उसको इजीली पढ़ा जा सके, तो उसको बोलते हैं फ्रेम या रीडिंग फ्रेम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो जाता है, यानी कि इस तरीके से डिलीट होगा कि जो फ्रेम है ना वो ठीक से पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, बिल्कुल सेंसलेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि डीएमडी में ये ज्यादा सीवियर होता है क्योंकि डिस्ट्रॉफिन बनता ही नहीं है। फिर दूसरा केस, इन फ्रेम डिलीशन होता है, यानी कि बीएमडी में इन फ्रेम, यानी कि क्या होगा कि डिलीट तो कुछ होगा लेकिन इस तरीके से होगा कि आप वो जो रीडिंग फ्रेम है ना उसको तो भी क्लियरली रीड कर सको, यानी उसका इनकोड वो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के लिए कर सकेगा, तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनेगा लेकिन कम, तो हम कह सकते हैं पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रॉफिन जीन बनेगा, और जबकि डीएमडी में क्या होगा, नॉन फंक्शनल डिस्ट्रॉफिन जीन बनेगा, ठीक। तो जीन नहीं सॉरी प्रोटीन बनेगा, हाँ। तो ये वाली कहानी हो गई डीएमडी और बीएमडी के बारे में। अब दूसरी कहानी क्या कहती है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब पैथोफिजियोलॉजी
कि हम कैसे समझेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में डिस्ट्रोफिन जीन ने क्या किया, एनकोड किया किसके लिए, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन गया। अब सवाल उठता है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ऐसा कौन सा कमाल कर रहा है कि उसके ना होने पर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आइए ये समझते हैं। तो सपोज यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एक मसल, सोचिए एक मसल है, मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स मतलब क्या, मायोसाइट्स, मस्कुलर सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स होती हैं। अभी जो मस्कुलर सेल्स हैं या मायोसाइट्स हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनमें होता है एक सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायोसाइट्स को कहा जाता है सार्कोलेमा। तो ये जो सार्कोलेमा है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्पेसिफिक तरीके का ग्लाइकोपेप्टाइड। ये जो ग्लाइकोपेप्टाइड है इसके बहुत सारी क्या कहना चाहिए मुझे, यूनिट्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से इसकी यूनिट्स होती हैं। हमें यहाँ पर सारे यूनिट्स के बारे में नहीं जानना, यहाँ हमको सिर्फ जाननी है दो यूनिट्स के बारे में। अच्छा इसका नाम क्या है, ये जो मैंने असेंबली बनाई है ये जो ग्रीन कलर से, उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं डिस्ट्रोफोग्लाइकेन। तो ये जो ग्लाइकोपेप्टाइड है ये ऊपर की तरफ जुड़ा होता है एक्सटर्नल मैट्रिक्स से और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक तरफ जुड़ा होता है ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से। जैसे कि ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है एक तरफ एक एंड से ये जुड़ा है एक्टिन से, या हम कह रहे हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल से। ये डिस्ट्रोफिन इसके तीन पार्ट हो गए, एक जो एक्टिन से जुड़ा है, एक रॉड डोमेन है, और दूसरा डोमेन जो दूसरा एंड है वो जुड़ा हुआ है किससे, इस अल्फा एंड बीटा। ये मैंने क्या बताया, ये ग्लाइकोपेप्टाइड, इसका नाम है डिस्ट्रोग्लाइकेन। तो डिस्ट्रोग्लाइकेन की अल्फा बीटा यूनिट से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कि जो बड़ी वाली यूनिट है वो है अल्फा और ऊपर वाली है बीटा, जिससे एक जुड़ा है लैमिनिन, और लैमिनिन जो कि बेसल लैमिना से जुड़ा हुआ रहता है एक्सटर्नल मैट्रिक्स में। अभी इसका काम क्या है, आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये काम कर रहा है पकड़ के रखने का। भाई मसल फाइबर्स को स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, स्ट्रेंथ कैसे आएगी, अगर मान लीजिए आप कहीं गिरने वाले होते हैं लेकिन सडनली आपको कोई पकड़ ले तो आप नहीं गिरेंगे, क्यों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई आपको, किसी ने पकड़ लिया आपको। कुछ वैसा ही है, अगर मसल्स को काम करना है, मसल्स हैवी काम करती हैं तो उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है डिस्ट्रोफिन। तो अगर वो डिस्ट्रोफिन ही ठीक से नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये जो सार्कोलेमा है एकदम लूज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ जो कैल्शियम आयन्स हैं उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर, उस वजह से क्या होगा, जो मसल फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे कैल्शियम के वजह से, और इसके वजह से जो है मसल बहुत वीक होती चली जाएगी। तो ये सारी कहानी होती है किसमें, डीएमडी और बीएमडी में। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि डीएमडी में बिल्कुल नॉन फंक्शनल डिस्ट्रोफिन है, जबकि बीएमडी में स्लाइटली फंक्शनल, हम कह सकते हैं पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स को मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करके समझा रही हूँ आपको। डीएमडी में 2 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 5 साल 15 साल तक आपको मालूम पड़ जाएगा पेशेंट इस चीज़ का है, और 15 साल तक तो नौबत भी आ सकती है कि उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, ये सारे चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ कि ये शुरुआत जो है वो कहाँ से होगी, पेल्विक गर्डल से, लोअर लिम्ब से शुरुआत होगी मस्कुलर वीकनेस की। पहले पैरों की वीकनेस होगी, फिर हिप जो बट मसल्स हैं उनकी होगी, फिर धीरे धीरे वो अपर लिम्ब्स तक जाएगी। तो जैसे कि क्या होगा, थिक लोअर लेग मसल्स, जो लोअर लेग की जो मसल्स है वो थिक रहेगी, क्यों, क्योंकि उनमें फैट ज़्यादा होगा, और इसके अलावा वीक रहेंगी। और जो हील है, हील पर क्या होगा, हील पर
क्या कहना चाहिए, मुझे हार्डनेस होगी, हार्डनिंग होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अपनी उंगलियों पर चला करेगा। तो और यहाँ पर क्या है, गेट साइकिल भी जो है वो बिगड़ जाता है, वाडलिंग गेट हो जाता है, स्कोलियोसिस हो सकता है। और एक गोवर साइन का क्या मतलब है, जो पेशेंट होता है जब वो उठता है तो वो अपने हाथों को इस तरीके सपोर्ट करता है कि वो थाइस पर आए, और चलने में भी आगे बढ़ने पर भी उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है थाइस पर हाथों की, तो उसको बोलते हैं गोवर साइन। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कार्डियक मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऑब्वियसली होगा। जो बैक है, बैक कैसा होगा, वो आगे की तरफ झुका रहेगा, और इसी कारण जो बैली है वो भी आगे की तरफ झुका रहेगा, क्योंकि बैली जो है, बैली की मसल्स भी वीक होगी तो वो अपने आप को इतना नहीं संभाल पाएगी, तो आगे की तरफ नीचे झुकते चले जाएगी। फिर धीरे धीरे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मसल्स होती हैं, तो वहाँ पर ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। शोल्डर्स और आर्म्स जो हैं वो कैसे, वो एकदम से पीछे की तरफ झुके रहेंगे। डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, तो इसमें क्या हुआ, क्रिएटिन काइनेज नाम का जो एंजाइम है वो सरम में बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। इसके अलावा सरम एल्डोलेज लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। जेनेटिक एनालिसिस किया जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, तो इसमें क्या हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलेगी डिस्ट्रॉफिन जीन में। फिर बात करें, अगर उसमें भी कन्फर्मेशन नहीं मिल रही, कंक्लूजन नहीं मिल रहा, तो मसल बायोप्सी की जाएगी। मसल बायोप्सी में देखा जाएगा कि मसल फाइबर का डायमीटर चेंज है, क्या उसमें नेक्रोसिस हुआ है, रिप्लेसमेंट तो नहीं हुआ है किसी एडिपोज टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू से, और डिस्ट्रॉफिन जो है वो डीएमडी में एबसेंट होगा और रिड्यूस्ड रहेगा बीएमडी में। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की कहानी कुछ ऐसी है कि मेडिकल थेरेपी सबसे पहले आपको, वैसे तो मेडिकल थेरेपी का कुछ कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि इतना ये क्योरेबल नहीं है, पहली चीज़ क्योरेबल नहीं है। तो मेडिसिन के नाम पर सिर्फ यहाँ पे दिए जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन और डेफ्लाजाकॉर्ट। फिर एक जो नई चीज़ यहाँ पे जानने लायक है वो है, क्या नाम है इसका, इटिप्लिरसन। हाँ, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इटिप्लिरसन। ये जो है ये एक तरीके का क्या कहना चाहिए, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, एक तरीके का ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है जो कि क्या करता है, एग्जॉन 51 जो लोकस है उससे कनेक्ट होकर के डिस्ट्रॉफिन बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरीके की नई नई ड्रग्स के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में हो जाता है फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे कि व्हील चेयर हो गए, वॉकर्स हो गए, और कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। बाकी आप इस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते हैं। अब बाकी की जो डिस्ट्रॉफीज हैं उनको हम जानेंगे टेबल के फॉर्म में। तो सबसे पहला जो है वो है इसके अंदर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी मतलब यहाँ पे क्या होगा, मायोटोनिया होगा, नाम से समझ में आ रहा है। इसकी जेनेटिक्स थोड़ी सी जान लेते हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट में सबको समझा रही हूँ। जेनेटिक्स की बात करती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ऑटोजोमल डोमिनेंट यानी ऑटोजोमल, किसी ऑटोजोमल क्रोमोजोम में डोमिनेंट वाला जो जीन होगा उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी वहाँ जीन में, एक्सपेंडेड ट्रिपलेट रिपीट होगा, यानी कि बीच में कोई ट्रिपलेट रिपीट हो जाएगा जिसमें कि मेन CTG रहेगा। और ये जो रिपीट हो रहा है वो किस क्रोमोजोम पर हो रहा है, क्रोमोजोम 19 पर। क्रोमोजोम 19 एक ऑटोजोम है हम जानते हैं। यहाँ पर क्यू का क्या मतलब है, क्यू का मतलब है बैंड, है ना, हर जीन पर बहुत सारे बैंड्स होते हैं लॉन्ग शॉर्ट आर्म पर, तो क्यू उसका बैंड का नाम है। ऑनसेट किसी भी एज में हो सकता है। मसल्स अफेक्टेड, कौन कौन सी मसल्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, फेशियल मसल्स जिसकी वजह से टोसिस हो सकता है, स्टर्नोमास्टॉइड्स मसल्स जो होती हैं वो वाली, और इसके अलावा डिस्टल लिम्ब जो है वो उसको अफेक्ट करेगा, और धीरे धीरे ये जनरलाइज होता चला जाएगा। फीचर्स की बात करें, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, मायोटोनिया यानी कि रिलैक्सेशन मसल्स का बहुत डिक्रीज हो जाएगा, कॉग्निटिव डलिंग यानी कि डलनेस रहेगी, कार्डियक कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, लेंस ओपेसिटीज़ खराब हो सकती हैं,
फ्रंटल बाल्डिंग हो सकती है, यानी कि आगे से गंजापन, और हाइपोगोनाडिज्म। नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी। तो प्रोक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी में क्या होता है, इसकी जेनेटिक्स की मैं बात करूँ तो इसमें एक ऑटोसोमल डोमिनेंट क्वाड्रिप्लेट रिपीट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, जैसे ऊपर था ना ट्रिपलेट रिपीट था, यानी कि तीन जो न्यूक्लियोटाइड थे वो रिपीट हो रहे थे, अब यहाँ पे तीन नहीं होंगे, चार होंगे, क्वाड्रुप्लेट है ये, ठीक है। अब वो होगा कहाँ, वो होगा क्रोमोसोम 3 में। अब जो इसका ऑनसेट है वो होता है अडल्टहुड में आकर। इससे जो मसल्स अफेक्टेड होती हैं वो ज़्यादातर प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं, स्पेशली थाई, और हाइपरट्रॉफी मसल, हाइपरट्रॉफी भी इसमें हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ है कि इसके और फीचर्स क्या है, तो जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है वैसा ही इसमें भी होता है, बट इसमें क्या है कि जो आपका कॉग्निशन है वो अफेक्ट नहीं होता, और ठीक है। और फिर इसके बाद जो है मस्कुलर पेन इसमें बना रहता है। लिम गर्डल मायो डिस्ट्रॉफी, एक्चुअली लिम गर्डल डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दो टाइप का हो सकता है। इसमें क्या होगा, किसी एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डोमिनेंट या रिसेसिव, दोनों टाइप से ये हो सकता है। इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, उनके कारण ही होता है। एज ऑफ ऑनसेट जो है चाइल्डहुड भी हो सकता है और अर्ली अडल्टहुड हो सकता है। मेन जो मसल अफेक्ट होगी वो लिम गर्डल की होगी। और इसके अदर फीचर्स क्या है कि इसमें काफ हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और कुछ लोगों को इसमें कार्डियक कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है। फिर इसके बाद है फेशियो स्कैपुलो ह्यूमोरल, ठीक है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ की चीज़ों को ये अफेक्ट करने वाली है। इसका जेनेटिक्स की बात करें तो क्रोमोसोम 4 का जो क्यू बैंड है उसमें क्या होगा, डिलीशन होगा, किसी एक स्पेसिफिक उसका क्या कहना चाहिए मुझे, ट्रिपलेट का डिलीशन हो जाएगा, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके बॉडी में। इसका ऑनसेट कब हो सकता है, 7 से 30 साल की उम्र में, कभी भी। फिर इसके बाद फेस, इसका जो मसल्स कौन कौन सी अफेक्ट होती हैं तो समझ में आ ही रहा है, फेस है, अपर लिम्ब है, मतलब अपर लिम्ब गर्डल है, और डिस्टल लोअर लिम्ब्स भी जो है वीक रहेगी, तो ये सारी इसमें अफेक्ट होगी। और क्या फीचर्स हो सकते हैं, शोल्डर में पेन रहेगा, ठीक है, मतलब आपकी जो अपर लिम्ब गर्डल है वो पूरी इसमें पेन रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्यूलो फेरेंजियल। ऑक्यूलो फेरेंजियल में क्या इशू है, मतलब कि उसमें क्या जेनेटिक्स है, यहाँ पर भी ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में दोनों की कहानी आएगी, और किसमें, 14th क्रोमोसोम में जो एक रिपीट होगा, कौन रिपीट होगा, ट्रिपलेट रिपीट होगा, किसमें, PABP2 जीन में। इससे जो मसल्स अफेक्ट होगी वो है फेशियल मसल्स, तो टोसोस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल ऑफ थैल्मोप्लीजिया हो सकता है, इसके अलावा डिसफेजिया हो सकता है, टंग की वीकनेस हो सकती है, और इसके अलावा माइल्ड लोअर लिम्ब की भी वीकनेस हो सकती है। फिर है एमेरिड्रिफस, इसमें क्या होगा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस होगी, किसमें, एमेरिन जीन में, 4 से 5 साल की उम्र में इसका ऑनसेट हो सकता है। इसके कौन कौन सी मसल्स अफेक्ट होगी, वो है आपकी ह्यूमरो पेरोनियल प्रोक्सिमल लिम्ब गर्डल जो है बाद में अफेक्ट होगी। फिर इसके बाद इसके अदर फीचर्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इनके वजह से सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी थी ये थी अदर अनकॉमन डिस्ट्रॉफीज। अब अगर आपको इनमें से किसी एक पर डिटेल नोट चाहिए, आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहद शॉर्ट में आपको समझाया है, इसलिए शायद कुछ कुछ ऊपर से चला गया होगा दिमाग के। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी एक पर फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इन पर बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।